हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन IIFE। ये एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, एक फंक्शन को बनाने की नोटेशन है। और इसकी कुछ खास बात है कि ये कॉल नहीं होता, यानी फंक्शन डिफाइन करते वक्त ही ये कॉल कर दिया जाता है और ये एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, इसका कोई नाम नहीं होता। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है इमीडिएटली इन्वोक, यानी तुरंत ही इन्वोक हो जाएगा ऐसा फंक्शन। IIFE का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट है IIFE, जिसकी फुल फॉर्म ये है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। एन इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन IIFE इज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रन एज सून एज इट इज डिफाइंड। यस, जैसे ही हमने इसको मतलब डिफाइन करते हैं हम जहाँ भी, तो ये तुरंत ही चल जाएगा डिफाइन करते ही, और तुरंत चल जाएगा तो हम इसको कॉल भी करवा रहे हैं। देखिए, तो ये एक सिंटेक्स है, इसको नोटेशन है फंक्शन को बनाने की। द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग एन IIFE इन्वॉल्व रैपिंग अ फंक्शन, फंक्शन को रैप करते हैं ब्रैकेट में, फंक्शन को रैप करने के बाद इन फंक्शन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस एंड देन इमीडिएटली इन्वोक इट यूजिंग एन एडिशनल सेट ऑफ पैरेंथेसिस। यस, तो जब हम ब्रैकेट लगा देंगे तो उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे इमीडिएटली इन्वोक करने के लिए, कि जैसे ही ये फंक्शन को डिफाइन किया वैसे ही ये पैरेंथेसिस लगाकर ये एग्जीक्यूट भी हो जाए, तो ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कोई इनिशियलाइजेशन का काम हम इसमें करा सकते हैं जो भी हमें कराना है, ठीक है, कोड एग्जीक्यूट होने से पहले। इन दिस एग्जांपल द फंक्शन इज डिफाइन एंड इमीडिएटली इनवोक द कोड इनसाइड द फंक्शन इज एग्जीक्यूट एज सून एज द स्क्रिप्ट इज लोडेड। तो जैसे ही हमारा कोड लोड होगा ये तुरंत चल जाएगा। इमीडिएटली इनवोक फंक्शन आर कॉमनली यूज टू क्रिएट अ न्यू स्कोप ऑफ वेरिएबल, न्यू स्कोप फॉर वेरिएबल, सो दे डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कोड ऑन द पेज। दिस इज स्पेशली यूजफुल वेन वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट मे डिफाइन देयर ऑन ग्लोबल वेरिएबल। बाय रैपिंग योर कोड इन एन IIFE यू कैन इंश्योर दैट योर वेरिएबल आर कीप्ड सेपरेट एंड वॉन्ट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कोड। यस, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कोड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या कोई वेरिएबल हमने असाइन करा उसमें फिर से हम असाइन कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर उसी वेरिएबल में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अनदर बेनिफिट ऑफ IIFE इज दैट दे कैन बी यूज टू क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो इसमें हम प्राइवेट वेरिएबल फंक्शन को बना सकते हैं ना, ये ऑप्स के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं प्राइवेट वेरिएबल और फंक्शन, तो हम वो काम इसमें कर सकते हैं। सिंस द फंक्शन इज एग्जीक्यूट इमीडिएटली एंड ओनली द रिटर्न वैल्यू इज एक्सेसिबल, एनी वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन इनसाइड द IIFE विल नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। यस, तो जो भी हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि इसका स्कोप इसी के अंदर है। ओवरऑल IIFE फंक्शन प्रोवाइड अ वे ऑफ एनकैप्सुलेट कोड। यस, एक ही एंटिटी से रिलेटेड वो सारे एट्रीब्यूट और मेथड का कलेक्शन, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो होता है वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है, वो हम इससे अचीव कर सकते हैं। एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कोड ऑन द पेज, है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो भी हम इसके थ्रू अवॉइड करा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल एंड फंक्शन, है ना, सबसे ज़्यादा इसी में इसका यूज होता है प्राइवेट वेरिएबल या फंक्शन को बनाने के लिए, विच कैन बी यूजफुल इन सर्टेन सिचुएशन। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, अपने आप एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं कंसोल लॉग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है, यह खुद ही एग्जीक्यूट होगा अपने आप। तो यह होता है अपना इमीडिएटली इनवोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।